इस वक्त हमारे साथ मुबारक मौजूद हैं और हमारे साथ योगेन जी भी, योगेश जोशी जी भी जुड़ गए हैं, जो खुद पुलिस महकमे को अच्छे से समझते हैं, खुद सेवाएं दे चुके हैं और एडिशनल एसपी रिटायर्ड हैं। योगेन जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पर, मुबारक आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। पहले जोशी साहब आपसे जान लेते हैं, जब बहुचर्चित रहा आनंद पाल, खुद जब जिंदा था तभी भी और एनकाउंटर हुआ उसके बाद भी, चर्चाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, कभी पुलिस की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, सरकारों की तरफ से, हमेशा सुर्खियों में रहा। अब एक ताज़ा सुर्खी और आई है, कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की खारिज की है जोधपुर कोर्ट ने, और पुलिस कर्मियों पर 302 का मुकदमा, किस तरह से मायने निकालते हैं आप सर इसके? देखिए मनीष जी, जब जब भी इस प्रकार के एनकाउंटर होते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले दारिया एनकाउंटर हुआ था जी 2006 में, इसी प्रकार से ये एनकाउंटर हुए, तो कुछ एनकाउंटर ऐसे हैं जो राजनीति भेंट चढ़ गए। उस प्रकार उस एनकाउंटर में जो दारिया एनकाउंटर हुआ था, उस एनकाउंटर के अंदर भी जांच हुई थी और उसके अंदर भी बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जेल में चले गए थे, और ये जो आनंद पाल एनकाउंटर था इसमें भी प्रश्न उठे 2006, ये जो हुआ था 2017 में, इसमें प्रश्न उठे थे। लेकिन क्या होता है, जब सरकारें बदलती हैं तो इस प्रकार के एनकाउंटरों के अंदर हवा लगने लग जाती है। जैसे बीजेपी के शासन में कोई एनकाउंटर हुआ दारिया वाला, तो कांग्रेस के शासन में उसने सीबीआई जांच कराई, उसमें जांच कराई जो आईजी से लेके मंत्री तक और सारे अधिकारी जेल में रहे, कोई दो दो साल तीन तीन साल जेल में रह के आए, उसके बाद वो बरी हुए, सीबीआई कोर्ट से उनको बरी किया। इसी तरह से आनंद पाल में क्या हुआ था कि इसमें जब परिवार वाले या और लोग या संस्थाओं ने चोर लगाया था, तो इसमें जांच कराई गई, जांच कराई गई, सीबीआई ने जांच में क्लोजर रिपोर्ट दे दी। जब क्लोजर रिपोर्ट दी है तो उसके लिए इनके परिवारजन या कोई भी संस्थाएं जो ये समझती थी कि साहब ये एनकाउंटर नहीं हुआ, ये फेक एनकाउंटर, तो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, और उनकी एप्लीकेशन को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय ने इसके अंदर पुनः इस क्लोजर रिपोर्ट को खोलने का और आदेश दे दिया। उसके अंदर अब ये जिनके नाम उसके अंदर आए हैं, उन सब नामों के वापस उस कोर्ट के अंदर ही वापस हुआ है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो कोर्ट स्वयं उसके अंदर प्रसंज्ञान ले ले और प्रसंज्ञान लेकर के वो ट्रायल चालू कर दे। दूसरा, अगर मान लीजिए क्लोजर रिपोर्ट में जो आक्षेप उन्होंने लगाए हैं, जो परिवादी पक्ष ने आक्षेप लगाए हैं, वो परिवादी पक्ष आक्षेपों को दोबारा पुलिस से या सीबीआई से आपका फ्रेम हमारे पास ठीक से नहीं पहुंच पा रहा, आपका स्लॉट है। मुबारक भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और एडवोकेट अजय कुमार जैन राजस्थान हाई कोर्ट से, वो भी हमारे साथ इस वक्त पर जुड़ गए। एडवोकेट जैन, आपका मैं रुख करना चाहूँगा इस मामले में, जो कोर्ट ने अब फिलहाल एक तरह से कहें कि क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर एक तरह से मामले को नया मोड़ दे दिया है, पुलिसकर्मियों पर 302 का मुकदमा सीधे तौर पर लगाया और मुकदमा चलेगा। एनकाउंटर हमेशा से किसी भी सरकारों की बात रही हो, हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब जब है कि बीजेपी सरकार में एनकाउंटर हुआ था और अब बीजेपी की सरकार फिर से कोर्ट में मामला था, हालांकि अब आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये पुलिसकर्मियों पर केस चलेगा? देखिए, न्यायालय प्रथम दृष्टया मामला अगर लगता है उसे तो प्रसंज्ञान लेता है। एनकाउंटर के बारे में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बहुत पहले ही गाइडलाइंस दे दिए थे कि जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में किस तरह से डेथ हुई है, उससे डिफरेंट पुलिस स्टेशन उसकी जांच करेगा। इसमें आंदोलन के कारण सीबीआई को मुकदमा ट्रांसफर किया गया था और सीबीआई ने एनकाउंटर को जेनुइन माना था। निश्चित रूप से एनकाउंटर हमेशा एक विवादित प्रश्न रहा है, और ये 2017 का मामला है और 7 साल बाद इस मामले में न्यायालय ने कुछ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया है। अब इसमें कई सारे लीगल लूप होल्स हैं जो वो अभी सामने आएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें दोनों तरह के जजमेंट्स हैं कि भाई इसमें क्योंकि केंद्र राज्य सरकार से, क्योंकि सारे पुलिस अधिकारी हैं इसलिए उनके लिए सैंक्शन नहीं मांगी गई है, और इस ग्राउंड के आधार पर जिन लोगों के लिए प्रसंज्ञान लिया गया है वो से आसानी से इसको चुनौती दे सकते हैं। दूसरी बात, प्रसंज्ञान किस आधार पर लिया है, प्रथम दृष्टया क्या एविडेंस ऐसी थी जिसके आधार पर प्रसंज्ञान लिया है, वो आदेश अभी सामने नहीं आया है। परंतु निश्चित रूप से कुछ न कुछ हल्की बात ऐसी कोर्ट के दिमाग में आई होगी
जिसमें उन्हें लगा होगा कि साहब इस एनकाउंटर से बचा जा सकता है, इसलिए उन्होंने प्रसंग ज्ञान ले लिया। पर जहां तक मेरा मानना है कि कानूनन रूप से ऊपर के न्यायालयों में ये प्रसंग ज्ञान आदेश टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो 197 की परमिशन जो पुरानी सीआरपीसी में सेंक्शन नई में धारा बदल गई है उसकी सेंक्शन नहीं ली गई है। दूसरी चीज क्योंकि एनकाउंटर जो हुआ है उसे सब तरफ से किसमें एक पुलिसकर्मी को भी जो सोहन सिंह है उसको भी गोली लगी थी और उसके जवाब में 6 गोलियां आनंद पाल के लिए लगी हैं, तो इसलिए ये भी नहीं है कि सब घेर के मारा गया हो, बल्कि वहां पर उस घर में और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। इसलिए निश्चित रूप से अभी ये कहना बड़ा थोड़ा सा संदेहास्पद है कि ये जो कॉग्निजेंस का ऑर्डर है न्यायालय के या बड़े न्यायालयों में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, पर मुझे लगता है कि ये आदेश बड़े न्यायालय में टिक नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि आदेश नहीं टिक पाएगा क्योंकि पुलिसकर्मी निश्चित रूप से अपील तो करेंगे, ये तो बहुत तय है इस मामले में, क्योंकि सीधे सीधे मर्डर का चार्ज लगाना इस पर निश्चित रूप से पुलिस कर्मी क्योंकि और जो कार्यरत है। और बड़ी बात अब ये भी इसमें आ रही है सर कि जो पदोन्नतियां हुई, जो उनको प्रशस्तियां मिली और जो पुरस्कार मिले उसको लेकर भी है कि वो भी छिन सकते हैं, तो क्या अभी ये मुकदमा शुरू होते ही अब धारा लगते ही 302 शुरू हो जाएगा या फिर वो अपील करेंगे तब तक उस पर कोई फैसला नहीं होगा, क्योंकि वो सरकारी तरीका है, वो भी मतलब सरकार की तरफ से दिया गया था उन्हें सब। सर आपका है, हाँ जी, और इस स्टेज पर अभी इतनी जल्दी ये संभव नहीं है कि जो उनको गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं या गैलेंट्री प्रमोशंस दिए गए होंगे वो इन केस यदि उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाते हैं और केस कमिट हो जाता है और उच्च बड़े न्यायालय भी इस आदेश को यथावत रखते हैं, उस परिस्थिति में इनके प्रमोशन और गारंटी सरकार चाहे तो विड्रॉ कर सकती है, अन्यथा फैसला होने तक उसका इंतजार करना पड़ता है। जैन साहब, क्या आप इसमें कोई जांच का विषय रह गया, क्या मतलब कोर्ट ने अभी जो कॉग्निजेंस लिया है और सीधे 302 लगाई है, तो क्या आप किसी तरह की कोई जांच का मसला भी रह जाता है? निश्चित रूप से अब जांच का कोई मसला नहीं रहा है, क्योंकि कोर्ट ने किसी दोबारा या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश नहीं दिए हैं, बल्कि उनके सामने जो पत्रावली उपलब्ध है उसी के आधार पर प्रसंग ज्ञान लिया है। तो इस मामले में अभी कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन का स्टेज अब खत्म हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो चुका है, अब जो कुछ भी होगा न्यायालय में ही होगा। तो आपको आपको लगता है जैन साहब, क्योंकि सीबीआई जांच दी गई एक बड़ी मांग थी खुद पीड़ित पक्ष की तरफ से और सीबीआई ने जो है जो उम्मीद थी हालांकि वो परिवार के पक्ष में नहीं गई, आपको लगता है सीबीआई ने ढील बरती उसका परिणाम ये हुआ है आज जो अब कोर्ट का कॉग्निजेंस ऑर्डर? देखिए सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन हमेशा ही विवादों में रहे हैं, क्योंकि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस में इतना ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा किया जाता है और उसमें सस्पेंस कम निकल पाता है, इसलिए जब भी चाहे दारिया एनकाउंटर हो चाहे अनंत पाल एनकाउंटर हो या और भी जो से मामले हैं, तो सीबीआई के मामलों में निश्चित रूप से सीबीआई एक बड़ी संस्था है पर कानूनन रूप से न्यायालय में लड़ने में कहीं ना कहीं उनसे कमी रहती है। इस मामले में भी ऐसा लगता है कि जो चालान पर या जो क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके बाद सीबीआई ने प्रोटेस्ट पिटीशन को ढंग से कंटेस्ट नहीं किया और जिससे का परिणाम है कि ये प्रसंज्ञान आदेश सरकार के खिलाफ या सीबीआई के खिलाफ पारित हुआ। बिल्कुल, अब बने रहेगा जैन साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रेज कर रहे हैं, इस मामले को आराम से सिंप्लीफाइड ढंग से समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं और आपने जो पॉइंट्स रखे वाकई उससे दर्शकों को काफ़ी मदद मिलेगी। मेरे साथ मुबारक भी इस वक्त मौजूद हैं, काफ़ी उन्होंने ट्रैक किया आनंद पाल के इनकाउंटर की स्टोरीज को। मुबारक, क्या कुछ परिवार की तरफ से अभी कोई बात सामने आ रही है जिस तरह से, हालांकि कोशिश कर रहे हैं मंजीत भी उनके भाई भी हमारे साथ जुड़े, क्या कुछ जानकारी परिवार की तरफ से अभी आ रही है आपके पास? इस मामले को लेकर क्योंकि आरोप ये लगा रहा था चाहे उस समय बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, करीब 7 सालों से उसके परिवार का आरोप सिर्फ एक ही था कि ये फर्जी एनकाउंटर है, इसकी निष्पक्ष रूप से जो है वो जांच की जानी चाहिए। और 2020 में जब सीबीआई ने जो क्लोजर कोर्ट के समक्ष पेश किया उसको उन्होंने चैलेंज किया और आज 4 साल बाद उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक्शन लिया है और उसे खारिज कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार को ये उम्मीद जरूर बंधी है, जिस तरीके से उसकी जो पत्नी है राजकंवर, उन्होंने लगातार कानूनी ये लड़ाई लड़ी, उनके भाई मंजीत पाल ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं परिवार और समाज के लोग लंबे समय से इसी यही कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी उनके परिवार को न्याय दी जाए, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, चाहे अपराधी हो चाहे आम आदमी हो, कानून
सबके लिए समान है। अगर किसी के साथ कानूनन तरीके से कोई गलत कार्रवाई जो होती है उसका विरोध वो कर सकते हैं, अपनी बात वो कह सकते हैं, ऐसा उनके पास अधिकार है। उसी के चलते उन्होंने कोर्ट में कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर गए और आज जब कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो उससे कहीं ना कहीं परिवार के लोगों में खुशी है और उन्हें उम्मीद है कि जिन लोगों के खिलाफ हमने ये कार्रवाई की है उन लोगों को हम जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे लेकर जाएंगे, ऐसा उनके परिवार के लोगों का कहना है। और कोशिश करेंगे उनके भाई को भी हमारे साथ जो है वो जोड़ने की। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें, अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, चाहे राजस्थान का बहुत चर्चित दारिया हत्याकांड हो या फिर हम कह सकते हैं एनकाउंटर वो था, और एक बार आनंदपाल का जो ये 24 जून 2017 को जो एनकाउंटर हुआ जिसे परिवार के लोगों ने फर्जी कहा, ऐसे ही दारिया एनकाउंटर को लेकर भी कई सारे विवाद उठे। तो पूरी तरीके से जब जब जो है सीबीआई जांच हुई है उस मामले में देखिए आप एडीजी स्तर के जो अधिकारी थे उन्होंने जेल काटी, राजेंद्र राठौड़ जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं 54 दिन तक वो जेल में रहे, इस तरह की चीज़ें भी रही। कई एसएचओ और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी 3-3 साल तक जेलों में रहे और उस मामले में अंत में जाकर उन सभी को बरी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई इतनी इस तरह की हो जाती है कई बार कि जो जिन्हें न्याय मिलना चाहिए नहीं मिल पाता, या फिर जिस तरह की कार्रवाई सही समय पर होनी चाहिए वो सही समय पर नहीं हो पाती है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो पुलिस के रूप से अगर हम देखें तो पुलिस की कार्रवाई पर खड़ी हो जाती है, कई बार कानूनी दाव पेच इस तरह के होते हैं कि सबूतों के अभाव में कहीं ना कहीं अदालत को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमेशा से राजस्थान में जब जब सीबीआई जांच या ऐसे फर्जी एनकाउंटर के आरोप जब जब सरकारों पर लगे तो उनके नतीजे कुछ और ही रहे, और ऐसा ही इस बार फिर से जो है आनंदपाल मामले में ये सामने आया है। जी बिल्कुल, मुबारक बने रहेगा आप हमारे साथ। मैं इस वक्त अब हमारे साथ एसपी मित्तल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका रुख करेंगे और इसके पॉलिटिकल मायनों को जानने की कोशिश करेंगे। मित्तल साहब, चाहे दारिया एनकाउंटर हो जिसकी बात कर रहे थे योगेन जी, सोहराबुद्दीन केस हो या फिर आनंदपाल, पॉलिटिकल कनेक्शन कहीं ना कहीं रहा और उसको लेकर चर्चाएँ भी काफ़ी रहीं, दोनों सरकारें ही हों चाहे कांग्रेस की या बीजेपी की, इस मामले में भी वसुंधरा राजे सरकार से के क्या हो गया, वो क्यों नहीं जुड़ रहा, वसुंधरा सरकार से लेकर के और अब तक भजनलाल सरकार एक बार फिर से अब सुर्खियों में, आप किस तरह से इसे रीड कर रहे हैं और क्या सरकार के तौर पर सरकारी रुख रह सकता है इसको लेकर, इस खबर को लेकर, क्योंकि इस पूरे इलाके में तत्कालीन सरकार को भी कहीं ना कहीं खामियाजा हुआ था और अभी भी। मैं आपको एक बार मित्तल साहब आपके पास मैं लौटूंगा। मंजीत हमारे साथ मौजूद हैं जो आनंदपाल के भाई हैं, वो इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं पहले। मंजीत हमारे साथ इस वक्त पे जुड़ गए हैं। मंजीत जी बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पर, पहले भी आप हमारे साथ रिपोर्ट में शरीक रहे, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को, एक लंबी आपने इस तरह से कहें कि कोर्ट कचहरियों में लड़ाई लड़ी और अब आपके पक्ष में कुछ उम्मीद जगी, आप ये मानकर चल रहे हैं, इस फैसले को किस तरह से देख रहा है आपका परिवार? जी एक कहावत है, सत्य पराजित हो सकता है, जी जी आप अपनी बात रख सकते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और कोर्ट से देर से ही सही लेकिन न्याय मिला है। उन लाखों लोगों की जो भावना थी साम्राज्य आंदोलन के तहत और जिन्होंने जो आंदोलन लड़ा और इस न्याय की लड़ाई में सभी ने हमारा साथ दिया, आज उनकी सभी की जीत है। तो आपका कहना है कि आप सभी की जीत है, लेकिन इस पे अभी है विकल्प पुलिस कर्मियों के पास? हमारे साथ खुद योगेन जोशी साहब भी हैं और एके जैन साहब भी कह रहे थे कि पुलिस कर्मी अभी अपील कर सकते हैं, हाईकोर्ट में जा सकते हैं इसके खिलाफ। बिल्कुल जाएंगे, तो सर हम भी हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट में हम भी गए थे और ये पुलिस भी प्रॉपर पैरवी कर रहे हैं, तो हम भी प्रॉपर पैरवी कर रहे हैं और जो सच्चाई है वो कोर्ट ने सामने लाती है। तो अब मेरा ये मानना है कि पुलिस का पैरवी करने का कोई औचित्य नहीं, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो 302 का अब जो अब चार्ज लगाया कोर्ट ने उस पर आगे मुकदमा चले और उनको दोषी अब जो होने कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला हो वो आगे बढ़े, आपका ये कहना है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगा मंजीत, क्योंकि इस पूरे इलाके में अगर शेखावटी रीजन की बात करें, आनंदपाल जब थे और उनके एनकाउंटर के बाद भी काफ़ी इसको लेकर सियासत गरमाई और बाद में राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड हुआ उसको लेकर के भी, राजस्थान में खासतौर पर जो एक तरह से कहीं शांत प्रदेश रहा और उसको अचानक से जो अपराध की एक तरह से कहें कि नजर लगी बड़ी लगी, आप किस तरह से देखते हैं मौजूदा राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था को, क्योंकि अभी भी गैंग वॉर की
घटनाक्रम हो रहे हैं, आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखिए, सभी ने अपने अपने हिसाब से सुरक्षा मांगी थी और सुखदेव जी ने भी सुरक्षा मांगी थी, पुलिस प्रशासन के पास इनपुट भी थे लेकिन उन्होंने सुरक्षा नहीं दी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको सुरक्षा के खतरा है लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन है उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरा मैं ये मानना है कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, इसको तत्काल प्रभाव से पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं एसपी मित्तल साहब आपका रुख करता हूँ। जो बात हम शुरू से कर रहे थे, दारिया एनकाउंटर, सोहराबुद्दीन या फिर आनंदपाल एनकाउंटर की बात हो, पॉलिटिकल कहीं ना कहीं कनेक्शन रहे, जुड़ते रहे, आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे। आप मौजूदा इस केस को आप कैसे देखते हैं, जो डेवलपमेंट हुआ इसमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम से जो आनंदपाल एनकाउंटर का मामला है, वो 7 साल बाद जो बोतल में जिन्न था वो एक तरह से बाहर आ गया। हमने देखा कि इससे पहले जब एनकाउंटर हुआ था उससे पहले आनंदपाल जी जो आनंदपाल थे ये अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद थे और तारिक पेशी पे ले जाए जा रहे थे। तब क्या नाम से ये पुलिस पर जो उनकी सुरक्षा गार्ड थे उनको क्या नाम से हमला करके ये वहां से फरार हो गए। उसके बाद राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, पूरे राजस्थान में इस बात को लेकर आंदोलन हुआ, विरोध हुआ कि क्या नाम से पुलिस कस्टडी से मैं एक क्या नाम से जो आरोपी रहे कई मामलों के अंदर उनकी क्या नाम से फरारी हो गई। उस टाइम एसओजी का गठन करके वसुंधरा राजे ने इस बात की काफी कोशिश की लेकिन लंबे अरसे बाद क्या नाम से जब ये पता चला कि वो चूरू के मालाकर में वहां है आनंदपाल, तो उनके साथ जैसे मंजीत इसमें बता सकते हैं जो चश्मदीद शायद इनमें से इनके परिवार का एक सदस्य भी है, तो ये कहा कि पहले उनको आगे किया गया, पुलिस ने पहले उनको आगे किया और ये कहा कि आनंदपाल से सरेंडर करा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि आनंदपाल से सरेंडर कराया गया है, पहले पुलिस के कब्जे में आए उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई और फिर उनको क्या नाम से गोलियां उनके कहा जाता है कि सारा करीब 11 गोलियां उनके शरीर में। तो ये बात जरूर थी कि क्या नाम से उस टाइम जो आनंदपाल है वो राजस्थान पुलिस के लिए और खासतौर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था, और जिस तरीके से बाद में क्या नाम से एनकाउंटर हुआ फिर वो पासा पलट गया, और जब क्या नाम से दिसंबर 2018 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए तो पूरे विधानसभा चुनाव में आनंदपाल एनकाउंटर भी एक बड़ा उस टाइम मुद्दा रह गया। और ये कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे की सरकार जो हारी उसमें से एक कारण ये भी था कि आनंदपाल एनकाउंटर का था। वो कुल मिला के जो राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई और इस पूरे मामले का मेरा ये मानना है कि दारिया एनकाउंटर से हम इसलिए इसका जोड़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर पहले दिन से सीबीआई जांच कर रही है। 2017 के बाद से लेके आज तक केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए जांच में कोई नहीं, जांच जिन बिंदुओं को लेकर शुरू की गई थी 19 बिंदुओं पर क्या नाम से इसकी क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस केस में भी राजनीतिक दखल है। आप देखिए 2020 के अंदर क्लोजर रिपोर्ट की गई जिसे 2024 मतलब 4 साल बाद अदालत ने उसको स्वीकार किया, तो स्वाभाविक है ऐसे केसों के अंदर राजनीति का दबाव रहता है, राजनीति होती है। और अभी भी मौजूदा समय में भी जिस तरीके से क्या नाम से आनंदपाल के जन्म पुण्यतिथि पर लेकर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं, उनका परिवार बदला लगातार इसमें क्या नाम से राजनीति में भी सक्रिय है और साथ ही अदालत में जो कार्रवाई हो रही है उसमें भी सक्रिय। बिल्कुल, आनंदपाल को एनकाउंटर हो गया लेकिन आनंदपाल का नाम जो है अभी भी आप जिस तरह से कह रहे हैं वो बिल्कुल अभी उस तरह से चल रहा है, उस इलाके में लेकर चल रहा है। हमारे सहयोगी मुबारक ने इस पर रिपोर्ट भी की और उनके भाई भी उसमें शामिल थे। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस मामले को समझने की कोशिश की, बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपको अब क्योंकि सियासत भी शुरू हो गई है, कांग्रेस विधायक श्रवण सिंह की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है, वो सुनवा देते हैं। कोई भी आदमी अपराध करता है तो वो दंड मांगता है, कोई भी करे, मैं करूँ, कहीं कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है, पर अपराध किया तो दंड मिलेगा। अब उसमें कोर्ट ने किस रूप में संज्ञान लिया है वो तो मैं भी नहीं बता सकता। तो अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। तो फिलहाल गैंग्स ऑफ राजस्थान में आनंदपाल एनकाउंटर पर जो बिग ब्रेकिंग थी उस पर ये प्रोग्राम था। अभी इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ।